नमस्कार दोस्तों, एक मेल आई थी जिसमें पूछा गया नाद के स्रोत्र तक कैसे पहुंचे, तो मैं उसका जवाब इस वीडियो में देने जा रहा हूं। नाद के स्रोत्र तक कैसे जाएं? क्योंकि बीच में उन्होंने ये भी लिखा था कि जब नाद को सुनते हैं तो वो सो जाते हैं या समाधि में चले जाते हैं। तो इसमें ये है, जैसे आप नाद को सुनना शुरू करते हैं, अपने आप को पूर्णतः खाली कर शांत होकर जब बैठते हैं, तब आपको नाद सुनता है। लेकिन नाद के अलग अलग तल से, अलग अलग तरह से आप उसको सुनते हो। पहले इस शरीर में रहकर आप उसे अपने भीतर ही नाद को सुनते हो, लेकिन उसी को हम जब आप ब्रह्मस्मी हो जाते हो तब सुनते हो, तब एक अलग नाद है। फिर जो पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है वो नाद है, और फिर उसमें लीन हो जाना ये स्टेप है। तो एक उदाहरण के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे नदी के झरने में पानी गिर रहा होता है तो कई मछलियां उल्टी डायरेक्शन में कैसे चढ़ती हैं? जो नदी की धारा बह रही होती है उस धारा के बीच में चली जाती है, और उसके साथ साथ ऊपर चढ़कर मेन नदी में ऊपर पहुंच जाती हैं। इसी तरह आपको भी इस संसार के भीतर से जाकर, अंदर अंदर जाकर उस तत्व को, परम तत्व तक पहुंचना है। नाद सब जगह है, सब तरफ है, सर्वव्यापी है। तो शुरू में आपने जैसे कुछ जप के शुरू कर रहे हो, कुछ नहीं जप कर रहे हो, इसी में कबीर साहिब जी का एक दोहा है, उसके साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। इसका मीन्स जब आप जाप करते हो, जाप करते करते थोड़ी देर में आप देखते हो जब टाइम बीतता है तो जाप रुक जाता है और आप अजपे में चले जाते हो। अजपा मीन्स मुंह से कुछ नहीं बोलते हो, वैसे ही मन उसे रमण करते हो। तो धीरे धीरे जो भी आपके गुरु मंत्र मिला है या कुछ भी, जिसको भी आप अजपे में कर रहे हो, तो धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाता है और फिर अनहद में चले जाते हो, और फिर अनहद भी खत्म हो जाता है और मेन तत्व में पहुंच जाते हो। इसीलिए कहा गया है अनहद जहां से शुरू हुआ था उस बेस पॉइंट पर चले जाते हो। मींस जो आवाजें आ रही हैं उसका सोर्स क्या है, उस सोर्स, अनहद सोर्स में आप पहुंच जाते हो। इसीलिए जाप मरे अजपा मरे अनहद ही मर जाए, राम स्नेही ना मरे कहेंगे कबीर समझाए। तो उस परम स्रोत तक आपने पहुंचना है। पहले आप जाप करो, फिर अजापा में जाओगे, फिर वो भी खत्म हो जाएगा, फिर अनहद में जाओगे, फिर वो भी खत्म हो जाएगा, फिर उसके सोर्स तक पहुंचोगे, तो तुम आत्म स्वरूप होके
उसी में एक हो जाओगे। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ, और जो कुछ वीडियोस जिनको भी आपने अनहद नाद नाद के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, तो मैंने कई वीडियोस इस पे अलग अलग जो जो मुझे प्रश्न आए उन पे मैं वीडियोस बना के डालता हूँ। आप इस चैनल में जाके एक एक करके सारी वीडियोस को आप देख लें, आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। अगर आपको लगता है अभी भी और कोई प्रश्न है तो आप मुझे ईमेल या कमेंट कर दें, मैं उसका जवाब शीघ्र ही दूंगा, वीडियोस के माध्यम से आपको भेज दिया करूंगा या कमेंट के माध्यम से आपको उसका उत्तर दे दूंगा। तो आप हो सके तो अगर कोई भी इस अनहद को आपके आसपास इस चीज को, इस नॉलेज को, इस परम तत्व को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे ही आप शेयर कर दें, ताकि वो भी अपनी अध्यात्म यात्रा शुरू कर सके। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ, धन्यवाद।